नटीन के सामने में रोवत हो, ई नटीन के बड़ा मायावत है, दयावत है, तहरा पर तार के हु मदद ना करी है, ते जरूर कह दी है चल ई नटीन के साथ है। मैं नहीं जा सकता हूँ, ओ मेला के भीड़ में कहीं तू हरा जेबा तो तहार माई बाप का सोची है? कुछ नहीं, नहीं, नहीं। कुछ नहीं, क्योंकि मेरे चाचा ने इस तंबू के अंदर बिठा करके गए, ना जाने क्या हो गए, अभी तक लौट करके नहीं आए हैं। अब जादू ये मरते ना चिनिया गए माती, आजू दिन ये जाती हो, कहाँ जा रही हो? बाप रे बाप, वो बेरा से बड़ा भाव डाल हका। इधर सुनो, इधर सुनो, तू जहाँ जाएगी मैं भी वहां जाने के लिए तैयार हूँ। कहाँ जाएगी? अब चल चल परदेसी हो धाना, जान है रे धौला, गिर पड़ा पता पड़ रे जान, जान तेरा ये लाला बई पड़ देसी, लाला गिर पड़ा पता पड़ रे जान।
भाई पंपिन सेठ यानी चार चवनी एक रुपया के बराबर में ये माहिल सिंह काम करता है। ये राज मोहब्बे वाले सब सोचता है कि माहिल सिंह को पता नहीं है। अरे माहिल सिंह तो ये काबनो किला में घूरते ही रहते हैं, मेरे नजर से कहां बच करके जाओगे। अब मैं यहां से चलता हूं राज मोहब्बा, और राज मोहब्बा में जाकर के बड़े भागिन है आल्हा सिंह, उसको जाकर के उल्टा सीधा पढ़ा करके अगर 100 फट्ठारू दल का बदन पर नाम मरवाया तो मेरा नाम माहिल सिंह। 22 जोड़ी हो बाबू, खेती बिगड़ा झल बथुआ से, जो चुगली से बिगड़े छे दरबार, तिरिया बिगड़े वो नहिरा में, बेटी बिगड़े नीता हाट बाजार, लेकिन हाथ लगी है यो मर्दाना के। मन कहानी आयो अब माही लेके, छप्पन छुरी 72 पे डीजल गाड़ी पंपिंग सेठ यानी चार चवनी एक रुपया के बराबर में ये महल सिंह काम करता है। अब निकल छोरी भैया है यार, माहिल के यार निकल घोरी है ये माहिल सिंह के। मैं किसी को देख नहीं रहा हूं, तो बात करूं तो मैं करूं किसी से। हे ईश्वर मेरा भाई, अरे हाय इस दरबार में कोई जंगी रुदल पुत्री इंदल कुमार देवनंदन गया है, मेला अभी तक लौट करके नहीं आया है। आवाज लगा रहा है कौन है? ये तो लग रहा है घर से मामा श्री आए। प्रणाम मामा श्री। खुश रहो खुश रहो मामा श्री। हाँ कहिए क्या कुशल है किला उड़े घर का भांजे। हाँ हाँ उड़े घर का खुश खबरी बहुत अच्छा ही अच्छा है। और सबसे पहले तुम ये बताओ कि राज महबा क्या क्या खुश खबरी है? मामा श्री राज मोहब्बा का कुशल माँ भगवती की कृपा से अति सुंदर है। अच्छा तो सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा भाई अनुज जो रुदल सिंह है वो कहाँ है इस वक्त? क्या? हाँ कहाँ पे है? वो पुत्री इंदल कुमार के साथ गंगा घाट की मेला गए हैं, साथ में देवनंदन भी है,
पुत्र इस वक्त राज मोहब्बा में नहीं है। क्या फंसा दूंगा झगड़ा, भाई भाई में लड़ा दूंगा। आल्हा से हा मामा श्री, क्या कहो, ये कहने की बात नहीं है, और जब तक मैं तुम्हें कहूंगा नहीं तो तुम समझ नहीं पाओगे। बोलिए मामा। तुम भाई के लिए रे भैंस का पर्रू क्या क्या नहीं सोचते हो, और तुम्हारा भाई रुदला वो क्या सोचता है, क्या तुम उसके बारे में सोचते हो कि ये मेरा भाई है, और वो रुदला सोचता है कि ये मेरा भाई नहीं, ये दुश्मन है। नहीं नहीं मामा श्री, ऐसा वचन मत निकालिए मामा श्री। भगवान राम कसम मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, हुआ भाई नहीं, मुझे पिता की तुल्य मानता है। मेरे अनोज के ऊपर कलंक मत लगाइए मामा श्री, राज मोहब्बा के अंतर्गत आकर के। अरे यही तो तुम्हारा सोचना भूल है, जो एक तरफ तुमको पिता की समान मानते हैं और दूसरे तरफ वह कसाई काम करता है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। अगर मैं विश्वास दिला दूं तो बोलिए। देखो तुम है भगवान राम कसम मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं भी उस गंगा घाट की मेला में शौक से मेला घूमने के लिए गया था, लेकिन मैंने क्या देखा, क्या जो तुम्हारे भाई रुदल सिंह वह अपने हाथों की खंजर से तुम्हारे पुत्र इंदल को मार डाला है। नहीं नहीं मामा श्री, ऐसा नहीं हो सकता है। जो इंदल को रुदल अपने हाथ से मार सकता है, ये कदापि नहीं हो सकता है मामा श्री। अरे बेहुदा मैं अपने आंखों से देख कर आया हूं मामा, सुनबो तुम सच कहा तो हुआ बला गई। हा भांजे, आप पूर्व कही चुगल खोर हैं, आप चुगली करते करते छ बेटा को खा गए, एक बेटा अभय कुमार बच गया है। अगर ऐसा बात है तो आप अपने पुत्र अभय कुमार लगा करके कसम खा दीजिए, खा लीजिए कि रुदल इंदल को वध किया है। क्या मैं अपने पुत्र का कसम खा लूं तो क्या विश्वास हो जाएगा? हाँ हाँ भगवान राम कसम मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैंने कसम खाते खाते तो साले छह बेटा को मार दिया, एक एक ठो बच गया जिसका नाम अभय कुमार है, वो भी साला लंगड़े है, चलो साले उसको भी लगा करके आज मैं कसम खा लेता हूं। तो पट पट क्रिया माहिल खाए छे, माहिल खाए छे बराबर जाए, बेटा मरी है वो माहिल के जो चुगली के करे छे हो व्यापार, लेकिन बेटा मरी है हो वो माहिल के। आज सुने बाबा छना हो हमार
समय खेलिया हो बेटा है के भांजे मामा श्री। सिर्फ एक ही पुत्र मेरा बचा था, वो भी लंगड़ा था भे कुमार। मैंने आज तुम्हारे साथ में मैं अपने पुत्र भे कुमार का कसम खा चुका हूँ। क्या विश्वास हुआ मामा श्री? बोलो भांजे। पूर्ण विश्वास नहीं हुआ तब विश्वास होगा कि मेरा भाई रुदल सिंह और उसका दोस्त देवनंदन दोनों अकेला लौट करके आएगा। रुदल इंदल को मैं नहीं देखूंगा, तब जाकर के पूर्ण विश्वास छप्पन छुरी बहत्तर पे डीजल गाड़ी पंपिंग सेट चार चवन्नी एक रुपया के बराबर में ये महल से काम करता है। साले का चुगली लगा करके ये राज महाबा को मैं विनाश कर दूंगा। अल्हा सिंह हाँ हाँ देख लेना, तुमने सच कहा कि कसम तो मामा श्री आप खा लिए है।